दोस्तों मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ कॉलेज नोटिफिकेशन यानी कि जे योगानंदम जो छत्तीसगढ़ कॉलेज है वहां से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसमें जो है 8वीं मेरिट लिस्ट जारी किए गए हैं पीजी के सभी विषय के लिए, जितने भी विषय वहाँ पर संचालित होते हैं उन सभी विषयों का यहाँ पर 8वीं लिस्ट जारी की गई। तो ये लिस्ट हम लोग देखेंगे कितना क्या कट ऑफ है, कितने स्टूडेंट के नाम है, इसमें एडमिशन कब तक लेना है, ये सब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, सभी विषय इसमें आपको मिलेंगे पीजी के, ठीक है। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमएससी एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव विज्ञान के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें ये लिस्ट 8वीं लिस्ट है ये एडमिशन के, तो यहां पर जिन स्टूडेंट के नाम है उनको 6 सितंबर तक यहां पर प्रवेश शुल्क जमा करके एडमिशन ले लेना है, सभी डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करके। तो कल यानी कि सोमवार और फिर मंगलवार 6 तारीख लास्ट रहेगा, ठीक है, तब तक आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए जो ओपन कैटेगरी है उसमें सिर्फ 2 स्टूडेंट का नाम है, क्योंकि 2 ही सीट खाली, जितनी सीट खाली उसके लिए ये लिस्ट जारी होती है, तो 2 सीट खाली है इसके लिए 2 स्टूडेंट के नाम जारी हुए। तो इसका कट ऑफ जो है 66.22% आ चुका है। और एमएससी केमिस्ट्री का देखते हैं तो इन सभी का डेट जो है 6 सितंबर रखा गया है, पीजी के लिए 6 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है। तो उस डेट तक आपको सभी डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई करवा कर फिर जमा करके एडमिशन ले लेना है, जितने भी स्टूडेंट के नाम यहाँ पर लिस्ट में है। तो यहाँ पर हम लोग एमएससी केमिस्ट्री का देखते हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए 7 स्टूडेंट का नाम जारी हुआ है और इसका कट ऑफ 77.31% है। यहाँ पर अपने नाम चेक कर सकते हैं। इसका लिस्ट आपको जो इस पूरा लिस्ट आपको इसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी का देखते हैं तो ओबीसी के लिए 2 स्टूडेंट का नाम जारी हुआ है जिसका कट ऑफ 77.13 है। एससी का 3 स्टूडेंट का नाम है, 70.39% इसका कट ऑफ है। और एसटी के लिए 2 स्टूडेंट है, 65.11% इसका कट ऑफ है। सॉरी, एसटी के लिए 6 स्टूडेंट का नाम है, 64.39% है इसका कट ऑफ। उसके बाद एमएससी मैथमेटिक्स का देखते हैं तो ओपन कैटेगरी के लिए इसका 7 नाम जारी हुए हैं, 80.5% इसका कट ऑफ है। ओबीसी के लिए 4 स्टूडेंट के नाम जारी किए गए हैं जिसका कट ऑफ 80.23% है। और एससी के लिए 3 नाम जारी किए गए हैं जिसका कट ऑफ 70% है। उसके बाद एमएससी फिजिक्स के लिए ये लिस्ट जारी हुआ है। सब मैं बता दूं कि सभी के लिए यहाँ पर 6 सितंबर लास्ट डेट रखा गया है एडमिशन के लिए, जितने भी लोगों के यहाँ पर नाम है। तो ओपन कैटेगरी में 7 स्टूडेंट का नाम है जिसका कट ऑफ 81.11% है। ओबीसी के लिए 2 नाम है, 80.94%। और एससी के लिए 2 नाम है, 78%। और एससी के लिए 3 नाम है, 71.17% कट ऑफ है। उसके बाद एमएससी जूलॉजी के लिए है तो एमएससी जूलॉजी का ओपन कैटेगरी के लिए 7 स्टूडेंट के नाम जारी किए गए हैं, तो इसका जो कट ऑफ है 75.87 है। ओबीसी के लिए 76.11% है, 3 स्टूडेंट है। और एससी में एक स्टूडेंट का नाम जारी हुआ है, 73.39% इसका कट ऑफ है। और एसटी के लिए 5 नाम जारी हुआ है, 67.72 इसका कट ऑफ है। उसके बाद यहाँ पर एलएलबी पार्ट 1 का भी यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है, तो इसमें भी यहाँ पर जो है डेट रखी गई है वो है 6 सितंबर लास्ट डेट है, 9 से 1 बजे तक आप लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। और यहाँ पर जो देखिए तो 8वीं मेरिट लिस्ट में अनरजिस्टर कैटेगरी के लिए 3 नाम जारी हुए हैं, तो इसमें 73.72% इसका कट ऑफ है। और ओबीसी के लिए सिर्फ 1 नाम जारी हुआ है, 73.67 इसका कट ऑफ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस विभाग में पीजीडीसीए के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ पर लिस्ट जारी हुआ है, 6 सितंबर इसका भी लास्ट डेट रखा गया है। तो ओपन कैटेगरी में यहाँ पर 4 नाम जारी हुए हैं जिसका कट ऑफ 77.56% है। और ओबीसी का 1 ही नाम जारी हुआ है, 70.39% है। एससी के लिए 2 नाम जारी किए गए हैं जिसका कट ऑफ 76.17% है। एससी के लिए 4 नाम जारी हुए हैं तो उसका कट ऑफ 70.33% है। उसके बाद कॉमर्स विभाग में एमकॉम
फर्स्ट सेमेस्टर का लिस्ट जारी हुआ, तो ओपन कैटेगरी का 77.22 और जो ओबीसी है उसके लिए 4 नाम जारी हुआ, 76.56% इसका जो है कट ऑफ है। यहाँ पर देखिए आप लोग ये पढ़ सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे, और जो यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़ के बाहर से किसी राज्य के दूसरे यूनिवर्सिटी से यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, और यहाँ पर जो है मूल टीसी के बिना एडमिशन नहीं होगा। यहाँ पर जो एडमिशन का टाइम है 11 से 2:30 बजे तक है, ठीक है। उसके बाद अंग्रेजी का है एमए इंग्लिश का, तो इसके लिए जो ओपन कैटेगरी का नाम जारी हुआ है 8 स्टूडेंट का जिसका कट ऑफ है 69.3, और ओबीसी के लिए 6 नाम जारी हुए हैं जिसका कट ऑफ 68.06 है। बाकी कैटेगरी के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, और एमए इकोनॉमिक्स के लिए यहाँ पर जारी हुआ है तो ओपन कैटेगरी में 6 स्टूडेंट का नाम जारी हुआ 63.17, ओबीसी के लिए 56.50 है। उसके बाद एमए ज्योग्राफी के लिए ओपन कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ 67.61 है, 5 स्टूडेंट है, और ओबीसी का 67.56 है। उसके बाद एमए हिंदी के लिए ओबीसी का जो ओपन कैटेगरी है वो नहीं है यहाँ पर, और ओबीसी के लिए 3 नाम जारी हुए 67.06 है, एससी के लिए 58% है। और उसके बाद एमए हिस्ट्री के लिए देखते हैं तो ओपन कैटेगरी में सिर्फ 1 नाम जारी हुआ 69.33, और ओबीसी के लिए 2 नाम है 65.47, और एसटी के लिए 2 नाम जारी हुआ 59.5 इसका कट ऑफ है। उसके बाद एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए लिस्ट आई है, उसमें ओपन कैटेगरी के लिए 5 नाम जारी है जिसका कट ऑफ 68.44 है, ओबीसी के लिए 2 नाम है कट ऑफ है 68.33, और एसटी के लिए 2 नाम है 57.5%। उसके बाद एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हुआ है तो इसका जो ओपन कैटेगरी के लिए 2 नाम जारी हुआ है जिसका कट ऑफ 57.5% है। एमए सोशियोलॉजी के लिए ओबीसी कैटेगरी के लिए 9 नाम जारी हुए हैं जिसका कट ऑफ 67.83 है, एससी के लिए 62.56 है। तो इसका पूरा आपको पीडीएफ लिंक जो मेरिट लिस्ट है इसका लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां चेक कीजिएगा। और 6 सितंबर रखा गया है लास्ट डेट यहाँ पर, तो सभी लोग जिनके भी नाम यहाँ पर है वो लोग जाकर अपने सभी डॉक्यूमेंट और यहाँ पर फीस भरकर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये था साइंस कॉलेज जो छत्तीसगढ़ कॉलेज है जे योगानंदम कॉलेज, वहाँ से ये 8वीं मेरिट लिस्ट पीजी को लेकर। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।